हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू अवर चैनल फार्मेसी टेक पर। आज हम आपके लिए न्यू टॉपिक लेकर आए हैं और आज का टॉपिक है बीटा ब्लॉकर पर। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हाय गाइस, आज का हमारा टॉपिक है बीटा एडेनर्जिक ब्लॉकर। हमने पिछली वीडियो में देखा था अल्फा एडेनर्जिक ब्लॉकर क्या होते हैं, ठीक है, उसकी क्लासिफिकेशन कौन कौन सी है और उसके यूजेस कहाँ पर, कैसे हम कहाँ पर यूज़ करते हैं, ठीक है। आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो बीटा एडेनर्जिक ब्लॉकर्स है। बीटा एडेनर्जिक ब्लॉकर्स का मतलब क्या है, जो हमारी ड्रग्स है, ठीक है, जो हमारे न्यूरो ट्रांसमीटर है, जो हमारे बीटा रिसेप्टर के साथ बाइंड कर रहे हैं, ठीक है, बीटा वन, बीटा टू, बीटा थ्री, उसकी वजह से जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन हमें मिल रहा था, उस एक्शन को अपोज करने के लिए, एंटागोनाइज करने के लिए जो ड्रग्स हम यूज़ करते हैं उसे हम बीटा एडेनर्जिक ब्लॉकर्स कहते हैं, ठीक है। बीटा जो हमारे यहाँ, ठीक है, जनरली ज़्यादातर हार्ट पर प्रेजेंट होते हैं। बीटा टू, बीटा वन जो है वो भी हमारे ज़्यादातर हार्ट में, हमारे जो लंग्स हैं वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग इनका काम होता है, ठीक है। चलो हम इसकी क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। बीटा एडेनर्जिक ब्लॉकिंग ड्रग्स, ठीक है, दो तरह की होती है, नॉन सिलेक्टिव और कार्डियो सिलेक्टिव, ठीक है। नॉन सिलेक्टिव मतलब वो बीटा वन पर भी काम करेंगी और बीटा टू रिसेप्टर के साथ बाइंड करके भी काम करेंगे। विदाउट आई एसिक का मतलब है इंट्रिंसिक सिंपैथोमिमेटिक एक्टिविटी, मतलब कि इसके साथ हमारी सिंपैथोमिमेटिक एक्टिविटी भी होगी। सो इसमें हम ड्रग्स यूज करते हैं प्रोपैनोलोल, ठीक है, सोटालोल, टाइमोलोल, ठीक है, ये हमारे ड्रग्स हैं जो कि हम यूज़ करते हैं विद इंट्रिंसिक सिंपैथोमिमेटिक एक्टिविटी, मतलब कि इसमें हमारे सिंपैथोमिमेटिक एक्टिविटी होगी, मतलब सिंपैथिक सिस्टम की जो हमारी एक्टिविटी है वो भी इंक्लूडेड होगी। तो इसमें जो ड्रग आती है वो आती है पैनोलोल, ठीक है, विद अल्फा ब्लॉकिंग प्रॉपर्टी, मतलब कि अल्फा को ब्लॉक करने की भी इसमें प्रॉपर्टी है, मतलब बीटा वन और बीटा टू को ब्लॉक तो करेगी करेगी, उसके साथ ये अल्फा को भी ब्लॉक करने की इसमें एक एक्स्ट्रा जो प्रॉपर्टी है, ठीक है। इसमें जो ड्रग आएगी लैबिटालोल, कार्बिडोल आ सकती है, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्लासिफिकेशन जो थी उसमें क्या आता है, कार्डियो सिलेक्टिव बीटा वन, मतलब बीटा वन जो हमारे हार्ट पर ज़्यादातर प्रेजेंट होते हैं, कार्डियो सिलेक्टिव मतलब कार्डियक सिस्टम पर जो काम करेंगे, हमारे हार्ट पर जो काम करेंगे वो वाली ड्रग्स आएंगी। इसमें मेटाप्रोलोल आती है, टेनोलोल आती है, एसिबिटोलोल आती है, ठीक है, बीसोप्रोलोल, इसमें लोल, ठीक है, बीटा एक्सोलोल आ सकती है, उसके बाद सेलिप्रोलोल, ठीक है, नारीबुलोल आते हैं, ठीक है, ये सारे ड्रग्स हैं जो कि हम पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद जनरेशन के अकॉर्डिंग हम बीटा एडेनर्जिक ब्लॉकर की क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। फर्स्ट जनरेशन मतलब कि जो हमारी ओल्डेस्ट हैं, सबसे पहले जो डिस्कवर की गई थी ड्रग्स जो कि हमने फर्स्ट जनरेशन में रखी थी, नॉन सिलेक्टिव, मतलब कि किसी भी रिसेप्टर के साथ बाइंड कर सकती है, बीटा वन, बीटा टू, बीटा थ्री के साथ, ठीक है। उसमें ड्रग्स आते हैं प्रोपैनोलोल, टाइमोलोल, ठीक है, सोटालोल और पिंडोलोल, ठीक है। उसके बाद आती है सेकंड जनरेशन, जो कि हमारी बीटा वन पर कार्डियो सिलेक्टिव होते हैं, ठीक है, वो वाली ड्रग्स आएंगी, मेटाप्रोलोल आती है, उसमें एटेनोलोल आती है, एसिबिटोल आती है, ठीक है, बीसोप्रोलोल, इसमोलोल आती है। थर्ड जनरेशन जो है, ठीक है, उसमें क्या है कि इसमें एक एडिशनल प्रॉपर्टी है हमारे ड्रग में कि वो अल्फा को भी ब्लॉक कर सकती है, वैसोडाइलेशन प्रॉपर्टी है इसमें, ठीक है, वैसल को डायलेट कर सकती है, लैबिटालोल आती है, कार्बिडालोल आती है, सैलिप्रोलोल आती है, ठीक है, नैबिबोलोल आती है और बीटाजोलोल आती है। ये सारी क्लासिफिकेशन है जो कि आपको एंगल से याद करेंगे। हम इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन देखेंगे, आप डिफरेंट डिफरेंट जो ड्रग्स हैं, ठीक है, कैसे वो हमारी बॉडी पर एक्ट करती हैं, ठीक है, किस तरह से वो काम करती हैं। जो हमारे बीटा ब्लॉकर्स, ठीक है, वो क्या करेंगे, जो बीटा रिसेप्टर के साथ रिस्पॉन्स आ रहे थे उनको इनहिबिट करेंगे। सबसे पहले हम फार्माकोलॉजिकल एक्शन देख लेते हैं। प्रोपैनोलोल हमारी प्रोटोटाइप एक ड्रग है, उस जैसे इस पर ये काम करती हैं वैसे ही हमारी जो बेसिक ड्रग्स हैं, ठीक है, बाकी वो भी काम करती हैं। इसका हार्ट पर क्या एक्शन होता है, हार्ट पर यह क्या करेंगी, जो हमारा हार्ट रेट है, हमारी जो कार्डिक आउटपुट आ रही थी, ठीक है, जो हमारा ब्लड है, ठीक है, जो आउटपुट आ रही थी वहाँ से, ठीक है, जो हमारी फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन, मतलब कितनी फोर्स से हमारा जो हार्ट है कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था, वो उसका रेट जो है वो डिक्रीज हो जाता है। क्योंकि बेसिकली हमने क्या पढ़ा था, जो हमारे एडेनर्जिक सिस्टम वो क्या करेगा, हार्ट रेट जो है हमारी कार्डियक आउटपुट है वो फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन इंक्रीज कर देते हैं। जब भी फियर या फिर फ्लाइट या फाइट मोड कंडीशन आती है, तो हम यहाँ पर ब्लॉकर यूज़ करें तो उसका अपोज होगा, ठीक है, वो डिक्रीज करेंगे जो भी चीज़ें पहले हमारे सिंपैथोमेटिक सिस्टम है, एडेनर्जिक सिस्टम है जो हो रही थी उसके एक्शन को अपोज कर रही है। सो यहाँ पर उसका उल्टा होगा, ठीक है। पर लॉन्ग सिस्टोल, मतलब जो सिस्टोल हो रहा था, ठीक है, पंप करने की जो हमारी टाइमिंग थी वो इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है, सिनर्जी ऑफ कॉन्ट्रैक्शन डिस्टर्ब की, जिस
जिस वजह से वो हमारा हार्ट कंट्रैक्ट हो रहा था वो डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नो प्रोमिनेंट नॉर्मल पर्सन में कुछ नहीं होगा, बट जहाँ पर प्रेजेंस ऑफ सिंपैथोमेटिक ओवर एक्टिविटी है, ठीक है, जो हमारे एक्सरसाइज वगैरह करेंगे, जो इमोशनल, ठीक है, जो पेशेंट है, ठीक है, वहाँ पर सिंपैथोमेटिक एक्टिविटी जो है ओवर हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, डिक्रीज वेंटिकुलर साइज इन नॉर्मल सब्जेक्ट, क्या होगा, जो वेंटिकुलर का साइज है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। डायलेशन इन द लो कार्डियक रिजर्व पेशेंट, डायलेशन होगी जो कि कार्डियक रिजर्व पेशेंट होंगे, जो हमारे कार्डियक रिजर्व पेशेंट है, ठीक है, जिसको कार्डियक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है वहाँ पर डायलेशन कॉज आ जाएगी, ठीक है। जो नॉर्मल हो रहे नॉर्मल पर्सन थे वहाँ पर क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा वेंटिकुलर का साइज। उसके बाद जो कार्डिक वर्क था या फिर ऑक्सीजन की कंजप्शन थी वो रिड्यूस हो रही है, ठीक है। टोटल कोरोनरी फ्लो मतलब कि हमारे जो ओर्टाज हैं, ठीक है, वहाँ से जो हमारा फ्लो हो रहा है, ठीक है, हमारी वेसल्स वहाँ पर प्रेजेंट है वो रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद जो हमारी ए वी कंडक्शन हो रही थी वो डिले हो जाएगी, जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन जो है आगे आ रही है, ठीक है, वो भी कम हो जाएगी। एट हाई डोज अगर हम ये प्रोपैनोलोल दे रहे हैं तो मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग एंड वो क्या करेंगे, ड्रग डिप्रेसिंग एक्शन देगी, मतलब वो हमारी मेम्ब्रेन को स्टेबलाइज कर देगी, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाएगा हमारा जो हार्ट है अच्छी तरह से, और डिप्रेसेंट एक्शन शो करेगी। प्रोपैनोलोल ब्लड प्रेशर पर उसका क्या इफेक्ट पड़ता है वो देख लेते हैं। इसका कोई भी डायरेक्ट इफेक्ट नहीं है, अक्यूट एक्शन मिलता है सिर्फ ब्लड प्रेशर पर। ये क्या करेंगी, वैसोडायलेशन को ब्लॉक कर देती हैं, जिसकी वजह से बीपी जो है वो फॉल हो जाता है, ठीक है। इसे हम बेनिफिशली मतलब यूज कर सकते हैं, यहाँ पर ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, मतलब हाइपर टेंशन जो पेशेंट है वहाँ पर यूज़ करते हैं। नॉर्मली क्या होता है, जो प्रोपैनोलोल है वो ब्लो कर दें हमारे कैटेकोलामाइन्स जो इंड्यूस करते थे वैसोडाइलेशन, ठीक है, जिसकी वजह से इंक्रीज हो रहा है हमारा टीपीआर, मतलब टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस जो आ रही थी वो इंक्रीज हो रही है, और हमारी कार्डिक आउटपुट है वो इंक्रीज हो रही है, जो कार्डिक आउटपुट है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, ठीक है। तो इसका कुछ ज़्यादा इफेक्ट नहीं आ रहा है हमारे ब्लड प्रेशर जो है, ठीक है, वहाँ पर इनका डायरेक्ट इफेक्ट नहीं है, जस्ट ये क्या करते हैं ब्लड प्रेशर को डिक्रीज कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद ये डिक्रीज करते हैं रेनिन का रिलीज, बीटा वन पर जो हमारे ड्रग्स प्रोपैनोलोल बाइंड करते हैं, तो उसकी वजह से हमारा रेनिन का रिलीज है वो डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। सेंट्रल रिडक्शन हो जाती है जो सिंपैथिक ऑफ्लो, मतलब सेंट्रल सिस्टम पर जो हमारा सिंपैथिक सिस्टम की नर्व फ्लो कर रही थी जो काम हो रहा था, ठीक है, वो ऑफ्लो उसका कम हो जाता है, ठीक है। ब्लॉकेज ऑफ नॉन एड्रेनल लीज, क्या करेंगे कि जो हमारा नॉन एड्रेनल लीज हो रहा था, ठीक है, उसको ब्लो कर देंगे, उसका जो लीज है वो कम कर देंगे। उसके बाद रेस्पिरेटरी सिस्टम पर क्या हो रहा था, कि पहले क्या हो रहा था हमारा एरोमेटिक सिस्टम क्या कर रहा था ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन कर रहा था, जो हमारा एडिनर्जिक सिस्टम था वो क्या कर रहा था, वेसल्स के डायलेशन कर रहा था ब्रोंकियोपल, तो इसलिए हम उसे अस्थमा में यूज कर रहे थे। बट अगर हम उनके एंटागोनिस्ट ले रहे हैं, ठीक है, प्रोपैनोलोल ले रहे हैं जो कि बीटा ब्लॉकर्स हैं, तो वो क्या करेंगे, इसके एक्शन को अपोज करेंगे, ठीक है, जो वैसो डायलेशन हो रही थी, ब्रोंको डायलेशन हो रही थी, उसको अपोज करेंगे, और उसकी वजह से ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन होगी, ठीक है, बीटा टू रिसेप्टर के अकॉर्डिंग, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, इसे हम अस्थमा के पेशेंट में बिल्कुल भी यूज नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पर क्या होगा, ठीक है, वहाँ पर तो पहले ही उनकी ईयरवे हैं वो कंस्ट्रिक्ट हैं, अगर वहाँ पर देंगे तो प्रॉब्लम कॉज हो सकती है, ठीक है, डेंजरस हो सकता है उनके लिए, ठीक है, और ईयरवे प्रॉपर नहीं होगा, ठीक है। वहाँ पर बीटा वन सिलेक्टिव ड्रग आर प्रेफर्ड, इसे एज बीटा वन वहाँ पर क्या करेंगे, बीटा वन जो है ड्रग्स वो प्रेफर करेंगे। उसके बाद आता है इसका आई पर क्या इफेक्ट होता है, ये क्या करेंगे, डिक्रीज आई ओ पी, मतलब कि इंट्राओकुलर जो प्रेशर है, ठीक है, वो डिक्रीज करेंगे, कैसे करेंगे, जो हमारा एक्वस ह्यूमर ग्लूकोमा है उसकी प्रोडक्शन को रिड्यूस करते हैं, मतलब इसे हम ग्लूकोमा के ट्रीटमेंट में यूज कर सकते हैं। सीएनएफ, इसका सीएनएफ पर कोई ऐसा इफेक्ट नहीं है, ठीक है, बस थोड़ा सा इफेक्ट आता है बिहेवियर में, ठीक है, फॉरगेटफुलनेस, मतलब कि हम भूल जाते हैं, थोड़ा सा नाइटमेयर हो सकती है, और एनजाइटी जो है, ठीक है, उसे सुप्रेस करते हैं, जो हमें घबराहट होती है समटाइम उसे कम करते हैं, सुप्रेस कर देते हैं। स्केलेटल मसल पर क्या इफेक्ट आएगा, जो ट्यूमर आ रहे थे उसे रिडक्शन हो जाएगी, ठीक है, रिडक्शन ऑफ एक्सरसाइज कैपेसिटी, जितनी हम पहले हमारी एक्सरसाइज की कैपेसिटी थी वो रिड्यूस हो रही है, हमारा ब्लड फ्लो रिड्यूस हो जाएगा। ग्लाइकोजिनोलाइसिस, मतलब ग्लूकोज का जो हमारी ब्रेकडाउन है, ठीक है, वो रिड्यूस हो जाएगी, और लिपोलाइसिस, लिपिड की ब्रेकडाउन होना,
ब्रेकडाउन जो हो रही थी वो कम हो जाएगी। ठीक है, ये हमारे सारे एक्शन है, मतलब इनके एक्शन क्या है हमारे हार्ट पर, कि जो हमारी कंडक्शन है, हार्ट का जो रेट है, जो आउटपुट आ रहा है, ठीक है, और कितनी वो कितनी कॉन्ट्रैक्टिलिटी कर रहा है, वो सब कम हो जाएगा। वैसल्स, ब्लड वैसल्स पर क्या पड़ेगा, ये ब्लड प्रेशर को कम करेगा। उसके बाद हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम पर क्या आ रहा था, वैसो कंस्ट्रिक्शन करेगा, क्योंकि जो डायलेट करने वाली प्रॉपर्टी थी हमारे एडेनर्जिक सिस्टम की, बीटा टू रिसेप्टर के थ्रू उसे ब्लॉक कर देगा। और उसके बाद क्या होगा, हमारी आई पर क्या करेगा, ये जो इंट्रा ऑकुलर प्रेशर है उसे रिड्यूस कर देगा। तो इसे हम ग्लूकोमा के ट्रीटमेंट में यूज कर सकते हैं। सीएनएस पर इसका कुछ ज़्यादा इफेक्ट नहीं है, ठीक है, सिर्फ ये क्या करेगा, बिहेवियर चेंज कर सकता है, एंग्जाइटी को स्ट्रेस कर सकता है समटाइम, और फॉरगेटफुलनेस जो होती है वो उसकी प्रॉब्लम आ सकती है। स्केलेटल मसल पर जो हमारी एक्सरसाइज की कैपेसिटी थी जनरल, वो डिक्रीज हो जाती है, ब्लड फ्लो डिक्रीज हो जाता है, जो ग्लूकोज ब्रेकडाउन हो रहा है वो कम हो जाता है, लिपोलाइसिस मतलब लिपिड की ब्रेकडाउन जो हो रही थी वो कम हो जाती है। सो ये उनके फंक्शन है। उसके बाद ये या इसके और इफेक्ट क्या आते हैं, लिपिड ये क्या करते हैं, इनहिबिट कर देते हैं सिंपैथोमेटिक जो स्टिमुलेशन हो रही थी, मतलब लिपोलाइसिस हमने पहले ही पढ़ चुके हैं कि जो लिपिड की ब्रेकडाउन हो रही थी वो कम हो गई। ठीक है, ट्राइग्लिसराइड का लेवल जिसकी वजह से इंक्रीज होगा, अगर लिपिड ब्रेकडाउन नहीं हो रहा तो उसमें जो ट्राइग्लिसराइड है वो इंक्रीज कर देंगे हमारी बॉडी में। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट ये क्या करेंगे, इनहिबिट करेंगे ग्लूकोजिनोलाइसिस हार्ट, मतलब फिर ग्लूकोज की ब्रेकडाउन नहीं होगी। ठीक है, मसल में और लीवर में, ठीक है, जो कि बीटा टू मेडिएटेड के थ्रू आ रहा था। ग्लूकोजोन क्या है, वो एक मेन हार्मोन है जो कि हाइपोग्लिसीमिया के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बीटा ब्लॉकर क्या, उसे हम मतलब बहुत ही सावधानी से यूज करते हैं, जिन्हें जिस पेशेंट को डायबिटीज है, जहाँ पे लो ग्लूकोजन लेवल है, ठीक है, उसमें हम थोड़ा कम ही यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद बीटा वन उसकी जगह पर यूज करते हैं, क्योंकि वो ज्यादा सेफर है। ठीक है, प्रोपेनोलोल जो है वो बीटा टू ड्रग है। ठीक है, उसके बाद फार्माकोकाइनेटिक आती है। ठीक है, जो हमारी प्रोपेनोलोल है वो एज ए प्रोटोटाइप ड्रग है, वो एज ए बेसिक ड्रग जो हमारी बाकी ड्रग्स होगी उनकी भी इस तरह से ही फार्माकोकाइनेटिक होगी। ठीक है, मोस्ट ऑफ ड्रग हैं वो वेल अब्जॉर्ब हो जाती हैं। ठीक है, ओरल एडमिनिस्ट्रेशन पे तो पीक कंसंट्रेशन जो हमें मिलती है 1 to 3 आवर के बीच बीच मिलती है, जब हम ड्रग को इंजेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद ये क्या करेंगे, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म के थ्रू जाते हैं। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म मतलब के फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करने से पहले वो ड्रग जो है मेटाबलाइज हो जाती है हमारी लीवर में, तो हम उसे फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म कहेंगे। उसके बाद क्या होता है, हाई ओरल पैरेंटल रेशो क्या होती है, मतलब कि इसका ओरल जब हम इसे देते हैं तो वहाँ पर इसकी रेशो हम ज़्यादा यूज़ करते हैं कम्पेयर टू पैरेंटल रेशो, तो वो कितनी होती है, जो हमारी ओरल है वहाँ पर 40 यूज़ करते हैं, तो पैरेंटल पर हम 1 यूज़ करते हैं। उसके बाद क्या होता है, बायोबिलिटी जो है वो वेरिएशन वेरिएट करती है, किसी भी पर्सन पर कर सकती है। ठीक है, या फिर कितना इफेक्ट दे रही है वो डिफरेंट डिफरेंट पर्सन पर डिपेंड करता है कि उसका सिस्टम कैसा होगा। ठीक है, मेटाबॉलिज्म डिपेंड करती है हमारा हेपेटिक का ब्लड फ्लो कैसा है, मतलब हमारा जो लीवर है, ठीक है, वहाँ पर ब्लड फ्लो कैसा है। जैसे जो हमारा डिक्रीज हो जाएगा हेपेटिक ब्लड फ्लो, ठीक है, हायर बायोबिलिटी होगी हमारे क्रोनिक पर। ठीक है, उसके बाद हायर बायोबिलिटी होगी अगर हम इसे फूड के साथ एक मतलब लेते हैं। ठीक है, मतलब क्या होगा, तो बायोबिलिटी का मतलब क्या होगा कि कितने अमाउंट ऑफ ड्रग जो है हमारे सिस्टम सर्कुलेशन में प्रेजेंट है। ठीक है, उसे हम बायोबिलिटी कहते हैं कि कितनी ड्रग है वो हमारे ब्लड में पहुंच पाती है इंजेस्ट करने के बाद। अब ऐसा तो नहीं होता कि हमने जो ड्रग लिया है, ठीक है, वो पूरी की पूरी ब्लड में जाकर पहुँच गई, ऐसा नहीं होता है। उसमें बहुत सारे हमारे जो प्रोसेसेस है वो चलती हैं। सबसे पहले हम जब माउथ से लेते हैं, ठीक है, वहाँ पर इंजेक्शन होती है, समटाइम्स सलाइवा के थ्रू हो जाती है, सम जो क्या होती है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में चल जाती है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन में जो है वो कम बढ़ जाती है, इसलिए बायो अगर ओरली हम ड्रग लेते हैं तो उसकी बायोबिलिटी जो है वो कम होती है एज कम्पेयर टू पैरेंटल रूट के, क्योंकि पैरेंटल रूट में तो सिस्टमिक सर्कुलेशन में ही पूरी की पूरी ड्रग जो है इंजेक्टेड हो जाती है। ठीक है, सो हायर बायोबिलिटी कैसी होगी, अगर हम उसे फूड के साथ लेते हैं तो उसकी बायोबिलिटी ज़्यादा होगी। ठीक है, डोज अवेलेबल कितनी होती है, 10 to 80 mg होती है। ठीक है, सब्सटेंस लीज जो प्रेपरेशन है हम प्रोपेनोल और जो मेटोप्रोपेनोल की अवेलेबल कराते हैं। सस्टेन लीज इसका मतलब है कि वो हमारी बॉडी में जाकर जब बॉडी में जाती है तो ऐसा नहीं है कि वो जैसे ही बॉडी में जाएगी वो सारी की सारी लीज हो जाएगी और अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन देगी, ऐसा नहीं होता है। सस्टेन लीज में क्या होता है, वो धीरे धीरे हमारा जो हमारी ड्रग है लीज होती है। ठीक है, और
ज़्यादा देर तक हमारी बॉडी में रहती है ताकि हम उससे लॉन्गर एक्शन ले सके। जी जनरली जो हमारी प्रोपेनोल और मेटाप्रोलोल लेती हैं, ठीक है, ये शॉर्ट ड्यूरेशन एक्शन होती है, तो इसके लिए हमने क्या करती है सस्टेन लीव प्रेपरेशन बनाई है ताकि हमारी बॉडी में ज़्यादा देर तक रहे और धीरे धीरे लीव होकर अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन ले। उसके बाद आते हैं इसके यूजर्स के, जो हम बीटा ब्लॉकर्स यूज कर रहे थे, ठीक है, उसके क्या यूजर्स हैं, ठीक है, हम उसे कौन कौन सी जो हमारे डिजीज होते हैं वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। हाइपरटेंशन, अगर किसी का ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है, ठीक है, उन्हें प्रॉब्लम है ब्लड प्रेशर की, तो हम वहाँ पर यूज़ करेंगे। वहाँ पर यूज़ करेंगे मतलब क्या होगा, हम जो ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो रहा था उसको कम करने के लिए यूज़ करेंगे। ये क्या करते हैं, जो हमारी हार्ट रेट है उसे कम कर देते हैं, जो हमारी कॉन्ट्रैक्टिलिटी हो रही थी उसे कम कर देते हैं। एंजाइना पेक्टोरस में मतलब यूज़ कर सकते हैं। एंजाइना पेक्टोरस में क्या हो रहा था कि जो हमारे चेस्ट पेन होती है, सडन चेस्ट पेन होती है, क्यों होती है, क्योंकि ब्लड का फ्लो नहीं पहुंच पाता है, ठीक है, प्रॉपर, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की कमी आ जाती है। सो हम ये ड्रग्स यूज़ कर सकते हैं ताकि उसकी कॉन्ट्रैक्टिलिटी है उसको कम कर सके, जो वेसल्स उसे डायलेट कर सके, प्रॉपरली ब्लड जो है वो पहुँचा सके, ठीक है। कार्डिक अरिथमिया में यूज़ कर सकते हैं। कार्डिक अरिथमिया का मतलब क्या है, हार्ट बीट जो है, ठीक है, अब नॉर्मल हो जाती है जब हमारी बॉडी में, तो हम इसे हम यूज़ कर सकते हैं। मतलब कि मान लो कि अरिथमिया हमारी जो हार्ट रेट है बहुत ही ज़्यादा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, आज के लिए इतना है, फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबाना मत भूलना। धन्यवाद आप सबका।